तो दोस्तों गुलाम हैदर कभी भी भारत नहीं आ पाएगा अपने बच्चों को लेने के लिए, कभी भी मांग नहीं कर सकता बच्चों को लेने के लिए। गुलाम हैदर को उसके बच्चे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि भारत सरकार ने उसका वीज़ा रोक दिया और वो अपने बच्चों की लड़ाई को अब नहीं लड़ सकता। कितने ताजुब की बात है ना, एक औरत अगर बदचलन होती है, उसके बदचलने के कारण एक आदमी मेहनत मजदूरी करता है और वो बच्चों को लेके चले जाती है, तो उन बच्चों को मांगने का भी अधिकार उस आदमी का नहीं रहता है। कितने ताजुब की बात है, ये कितने घरों में ऐसा हो चुका है कि औरतें अपनी शौक के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए अपने बच्चों को दाव पर लगा कर जा चुकी है। यही गुलाम हैदर के साथ हुआ है। और मुझे आज लोगों ने कमेंट किया है कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे कभी भी नहीं मिल पाएंगे, आप कितना ही जोर लगा लो। सीमा हैदर पाकिस्तानी जो है, मुस्लिम महिला, वो यहाँ हिंदू बन चुकी है, उसे कोई भी भारत से नहीं भगा सकता। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, लगातार मोमिन मलिक सर दोनों काम कर रहे हैं, ATS का काम भी कर रहे हैं, पुलिस का काम भी कर रहे हैं और वकील का काम तो बखूबी कर ही रहे। आप सब लोग जानते हो लगातार गुलाम हैदर भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है गुलाम हैदर को उसके बच्चे दिए जाए। और फिलहाल जो गुलाम हैदर भारत आने वाला था 10 तारीख को, गुलाम हैदर के वीज़े पर रोक लगा दी गई है। और एक बहन जो बार बार परेशान होती है मेरा वीडियो देख के, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनका एक सवाल होता है कि मैं झूठी वीडियो बनाती हूँ, झूठ बोलती हूँ। और कल जो है भगौड़ी ने अपनी लाइव में ये बोला कि 10 तारीख को गुलाम हैदर गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में पेश होगा, गवाही देगा और मैं झूठ बोलती हूँ। तो मैडम आप पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, तब अपनी राय दीजिए, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखती नहीं हैं, आधा अधूरा देखकर जो आपके मन में आता है आपको किसी को भी ब्लेम कर देती हैं। अगर आपको लगता है मैं झूठी वीडियो बनाती हूँ, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जहाँ सच्चाई दिखती है वहाँ जाइए। आपको हमने कभी भी नहीं बोला कि आप आके अपनी राय दो। जाहिर सी बात है आप भगोड़े की सपोर्टर हो, आप चाहती हो भारत में रहे और आप चाहती हो गुलाम हैदर को उसके बच्चे नहीं मिले, और आप एक औरत हो और जाहिर सी बात है आपने ऐसा किया होगा अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, इसलिए आप इस दर्द को, इस चीज़ को आप अपने ही नज़रिए से देख रही हैं। और अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे नहीं मिलेंगे, तो ये हवा भूल जाइए, क्योंकि गुलाम हैदर जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है अपने बच्चों के लिए, एक बाप किसी हद तक जाता है। जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई पहले गाली गलौज, लड़ाई झगड़े कर रहे थे, आप लोगों ने मुद्दे बनाए कि वो अपशब्द बोलता है, भगोड़े को गलत बोलता है, और गुलाम हैदर ने वो चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि ये कोशिश तो एक इनलीगल घुसपैठी सीमा हैदर की थी। और ये जब समझ में आ गया कि सीमा हैदर अपनी चाल चल रही है और गुलाम हैदर के बच्चों को टारगेट कर रही है, तो गुलाम हैदर ने चीज़ें छोड़ दी। और जाहिर सी बात है भाई, वीजा कोई प्रसाद नहीं बट रहा, उठा दिया और उसकी झोली में डाल दिया और कोई भी व्यक्ति भारत में आ जाएगा। इसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस में अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, कुछ भी कारण रहता है, तो वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता है। और गुलाम हैदर एक बाप है, वो अपने बच्चों की लड़ाई जरूर लड़ेगा, भारत उसे वीज़ा ज़रूर देगा, क्योंकि हमारे कोर्ट ने उसे आदेश किए हैं, तो कोर्ट ही उसे यहाँ पर बुलाएगा, बुला रहा है। तो मोमिन मलिक सर ने स्पॉन्सर किया है, मोमिन मलिक सर ने जिम्मेदारी ली है गुलाम हैदर की, हो सकता है वो आ भी जाए और उसका जो है यहाँ पे सो नहीं हुआ हो, और सारी चीज़ें 10 तारीख को ही खुलें। आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी राय में एक पिता के लिए दुआएं कीजिए कि उसके बच्चे उसे मिल जाए। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आज मुझे बाहर ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जिनको लूज मोशन हो रहा है गुलाम हैदर के आने से, तो अपना ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि गुलाम हैदर यहाँ 3 महीने के वीज़े में आ रहा है और अपने बच्चे लेकर ही वापस जाएगा। फिलहाल भगौड़ी ने अपने जो मुंह का ढक्कन था वो बंद कर लिया, जो उलझलूल गाली गलौज कर रहे थे उस पर ये अब थोड़ा रोक लग चुकी है उसकी, अब ये गिड़गिड़ाने लगी है उसको। इसका जो सच का पर्दाफाश होता जा रहा है लगातार, ये समझ चुकी है कि मैं अब सिकंजे में कस चुकी हूँ, मुझे रोकने वाला जो गुलाम हैदर था वो भारत आएगा ही आएगा। और भगौड़ी फिलहाल अस्थमा से भी रिक्वेस्ट कर रही थी, और मुझे कल किसी ने कमेंट किया था कि बबीता रानी अपनी लाइव में गाली दे रही थी भारत के लोगों को। फिलहाल मैंने लाइव नहीं देखी बबीता रानी की, क्योंकि बबीता रानी को वो हवा लग चुकी है, बबीता रानी को इतनी ज़्यादा हवा लग चुकी है, पैसे का जो भूख होता है ना, इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है।
वही चीज बबीता रानी के साथ हो रहा है। दिहाड़ी मजूरी गाय पालन करके जो 150-200 रुपए महीने पर डे कमाती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, सीमा हैदर के आने के बाद ये भूल चुकी है कि ये जमीन पर है, ये भूल चुकी है जिस ग्राउंड पे खड़ी है वो भारत की धरती है। उस धरती में इन लोगों ने, इन लीगल लोगों को घुसाकर हमारे भारत माता का अपमान किया है, अपने देश का जो है सम्मान संस्कृति को बेचकर खा चुकी है बबीता रानी। और सबसे पहले बबीता रानी पर भी FIR होगा ही होगा। और मैं कहती हूँ कि ऐसी औरतों को समाज में बहिष्कार किया जाना चाहिए जो ऐसे इनलीगल और गलत नेचर की महिलाओं को भारत में घुसा कर लाती हैं। फिलहाल सीमा हैदर से ज़्यादा दोषी तो मैं लप्पू और इसके परिवार और ये बबीता रानी को मानती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें शुरुआत हुई है ये रबुपुरा से ही हुई है। अगर ये लोग अपने घर में ना घुसाते, ये लोग इतने लोगों को ना बुलाते, इस महिला का चेहरा इतना ना चमकाते, तो इसकी कोई औकात नहीं थी भारत में घुसकर ये भारत में इतनी गंदगी मचाती। फिलहाल बबीता रानी भौंकने दो इसको, और कानून का डंडा अब बच चुका है अच्छी तरीके से। क्यों ना बोले बबीता रानी, जब फ्री की मलाई मिलती है इंसान को तो वह क्यों नमक रोटी खाएगा भाई, जब इनको मक्खन मिल रहा है वो भी मुफ्त में। लेकिन वो मुफ्त में इन्हें पता नहीं अपने देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अपने देश की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ ही जा रहे हैं। इनको केवल सीमा 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 सीमा। बबीता रानी अपनी उम्र देख लो, क्योंकि तुम्हारी उम्र नहीं है तुम देशद्रोह करो, तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम समाज को ऐसा मैसेज दो एक 4 बच्चों की अम्मा को भगा के ले आओ। तुम खुद माँ हो, तुम अपने ऊपर सोचो। जब तुम्हारी बेटी को कुछ कहा ना गया मेरठ वाले भाई ने, या किसी ने तुम्हारी बेटी को बोला तुम बड़ी रो रही थी लाइव में, तुम गुलाम हैदर को रुला रही हो, क्या उसकी बद्दुआएं तुम्हें नहीं लगेंगी? उन 4 बच्चों का भविष्य खराब कर रही हो जिनका सब कुछ पाकिस्तान में, यहाँ कुछ भी नहीं है उन बच्चों का। उन बच्चों को जबरदस्ती यहाँ अपने घर में रोके पड़ी हो, उनको तरह तरीके से परेशान कर रही हो। वो बच्चों का मुल्क वहाँ है, उनके अपने वहाँ हैं, तुम अचानक से उनकी अपनी बन गई हो। और फिर उसके अलावा भी कुछ कारण हो सकता है, वो बच्चे जो सीमा हैदर यहाँ आई है, सीमा हैदर का कुछ ऐसा मकसद हो सकता है हमारे भारत में इनलीगल घुसकर आने का। तो ये बबीता रानी, मैं भारत की बेटी हूँ, भारत मेरा साथ जरूर देगा, तो मैडम ये बता दो तुमने भारत के लिए किया क्या है? तुमने भारत के लिए यह किया है कि एक इनलीगल घुसपैठी को तुमने शरण दी है, अपने घर में दिया है। तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो अपने देश की। सीमा हैदर तो इनलीगल आई, अगर तुम लोग अपने घर में घुसने नहीं देते, इसकी हिम्मत नहीं थी ये भारत की धरती पर पैर रख लेती, तुम लोगों ने इसे शरण दी है। सबसे पहले तुम लोगों को नपकर जेल में भेजना बहुत ज़रूरी है। मोबिन मलिक सर जल्दी इसका प्रयास करेंगे, तुम जैसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे, क्योंकि तुम बहुत गंदगी मचा चुकी है। जो लोग कहते हैं बबीता बहुत सीधी औरत है, अपने घर ले जाओ और इसको सुधार कर भेजना, सोशल मीडिया पे जो कमाने का ऐसे भूत सवार है, जो ये सीमा हैदर के नाम से कमा रही है, गुलाम हैदर के बच्चों के नाम से कमा रही है, ये अपने खुद के बच्चों को खड़ा करे यहाँ, तब जाके कमाई करे। अच्छा खासा एक गांव की महिला है, इसको इतना शौक चढ़ चुका है कि ये इस अश्लील औरत के साथ पूरी हद पार करने पे उतर चुकी है। फिलहाल मैंने इसका लाइव नहीं देखा, अगर देखती तो लाइव में इसे खरी खोटी सुनाती, इसको इतना सुनाती कि ये दोबारा लाइव आने की हिम्मत भी नहीं करती। हमारे ही देश की औरत हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अपने भारत देश के साथ गद्दारी कर रही हो एक इनलीगल घुसपैठी महिला के लिए, सीमा हैदर के लिए। जाओ अपने घर में ले जाओ उसको। हाँ, घर में तो तूने रखी है, ले जाने की क्या ज़रूरत है? और जो लोग कहते हैं मैं झूठा वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग जाओ सच को निकालो और सच को सामने रखो। मेरे चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग फेक आईडियों से कमेंट करते हो मैं जानती हूँ। और शुरू से जब से बोल रही हूँ तो सच ही बोल रही हूँ, एक एक चीज़ सच है। जो चीज़ मैंने 4-5 महीने पहले बोली वो चीज़ भी सच अब आ रही है, सारी चीज़ें नेपाल से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक। बकाया अगर आपको सच जाना है तो खुद निकालो, खुद जाओ, किसी के चैनल पे बदतमीजी गंदगी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता एक सीमा हैदर के अलावा कुछ नहीं है। आप इस औरत को इस हद तक अपने घर में घुसा चुके हो कि आपको कुछ और नज़र नहीं आता। फिलहाल इन सब पे शिकंजा बहुत जल्दी कसने वाला है गुलाम हैदर, अपने बच्चों के प्रोसेस में कामयाब ज़रूर होगा। जैसे ही गुलाम हैदर भारत की धरती पे आएगा उसको बच्चे मिल जाएंगे। तसल्ली रखिए थोड़ा सा और, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेविका, अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से।